एक महिला है, महिला है, यहाँ पुलिसकर्मी समझाते हुए इस तरीके से प्रोग्राम मकान जो है इस समय वो महिला जो है चिल्लाती हुई जो पुलिस कर्मी है उस महिला को फिलहाल नीचे उतार रहे हैं क्योंकि माउंट का हिस्सा जो है वो गिर भी सकता है, जाने का प्रयास भी किया जा रहा था। अभी फिलहाल कहीं ना कहीं दिया इनको कब क्या कार्रवाई की है। अच्छा सर, ऐसे ही बिना किसी मकान को आके तोड़ने लग जाते हैं, ऐसे ठीक तोड़ाना है तो अभी पूछते हैं, पूछने के बाद पहले नोटिस की जरूरत है। नोटिस की जरूरत है, ऐसे तोड़ नहीं सकते किसी मकान को। बोल रहे हैं नोटिस तो दिया है, किया हुआ है। बाइलाज क्या है? बाइलाज क्या? बाइलाज तोड़ नहीं सकते किसी प्रॉपर्टी को, नहीं तो बड़े दिन पहले बेदखल किया है उसको। जब वो यहाँ बेदखल किया हुआ, इन्होंने 7-8 सालों से उसको पहले बेदखल किया हुआ है। नोटिस तो क्या सारे मीडिया देखो, सिर्फ अपना नाम मेरा नोटिस दिखाओ, कुछ नहीं होगा। इधर नहीं जाना, इससे खो जाओ। ओ भाई हेलो, इधर आ। समय देखिए, जेसीबी के काम को जो है रोक दिया गया है। इस समय जेसीबी के काम को जो है रोकने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ की जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से। हेलो, मेरी गल सुनो। हेलो, यार एक मिनट, किसी को रोकने का हक क्या आ रहे हैं? इतने खड़े हैं ना, मैं नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो मैडम। बिना लॉ दे कोई भी कार्रवाई नहीं होंदी। असी नोटिस भी दिता है, एक हफ्ते का टाइम पीरियड भी दिता है। पहला मेरी गल सुनो, तुसी बहुत बोल लिया। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर भी पास किया है, कल जाके, कल इत्थे आके टीम ने कह के भी गए है कि जी इत्थों समान कड्डो। ताडे नाल दा नूं पुछो, असी हुण तुहानूं लब्भना ते नहीं ना, असी अपना लॉ फॉलो किया। सुनो मेरी गल, सुनो एसएचओ साहब, मेरी गल सुनो, तुहानूं असी अरेस्ट दी मैं रिटर्न प्रूफ खाओ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਨੋਟਿਸ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਆਪ ਰੱਖੋ ਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੀ आप सुन लो, या तो आपके जितने गवांडी यहाँ खड़े हैं सबको पता है, कल सारे मिले हैं, कल आपकी मदर को पता है, सबको पता है। अब नोटिस आपकी ससुराल में थोड़ा देंगे, यहाँ यहाँ देखो चिपका रखे दस दिन पहले आपको सुनो, आप यहाँ तो सुन लो ना किसी की। आपके यहाँ जब किसी को गवांडियों ने कहा कि यहाँ नहीं रहती, उसके इसीलिए चिपका दिया कि ताकि कीमती सामान को हमने पूरा, पहले सुन तो लो, पूरा कीमती सामान बाहर आपका निकाल दिया ताकि नुकसान ना हो। वो एस एच ओ साहब ने नहीं देना था, आए थे चिकल, आए थे कोई आया था आए सी सारे आए सी तो ये थोड़ी कहना होगी भी तोड़ना। सुनो आपने कहा था कि हमारी बंती नहीं ताले लग रहे हैं इसलिए हम नहीं निकाल सकते किसी के घर से। आपने शायद सुना नहीं, डीटीपी साहब ने अभी बताया कि क्रिमिनल की कोई बात ही नहीं। फिर, ये फिर क्या बात है? सुन तो चुप हो जाए, तभी तो सुनेगी, तभी तो बता तो रहे हैं। अच्छा, तो दो मिनट या तो सान ले ले। नहीं, क्या बता, बताओ। ये बता रहे हैं कि क्रिमिनल का कोई मैटर नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई है, बकायदा नोटिस हटाने के लिए दिया हुआ है, नोटिस आपके घर चिपका है, पड़ोसी आपके बता रहे हैं कि सुन लो पहले कि कल आए थे सबने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमने इनको मैसेज चला जाएगा, सब आसपास है, इसके कैमरे लाइव है, एक एक चीज इनके नोट है, इसलिए 10 दिन पहले आपका नोटिस चिपका है, कल आके कहा सामान निकालो, आज फिर नहीं निकाला तो हमने देखो सारा कीमती सामान आपका बाहर निकाल दिया ताकि कोई भी कल आए सीगे थे कैन कि जी सुन लो मेरी गल पहला, आप कल इतने कोई आया सीगा कैन भी हाँ जी भी ये मकान टूटना एक नहीं नहीं आया ठीक है जी, फिर लेडी पुलिस बुलाने तुसी साइड पे लेडी, फिर मैं एक मिनट सर अपने सारे कैमरे नोटिस तुसी कैमरे जी जी गल बुला लो लेडी पुलिस को, इलीगल कंस्ट्रक्शन में मैंने संबंध दिखाओ, अकाल नहीं सर इलीगल कंस्ट्रक्शन के संबंध दिखाओ। नहीं वकील साहब ने सब समझा भी दिया आपको, तो ऐसे ही कुछ बात है, अब जो कार्रवाई चल रही है कि बिना बात आके जी रोको, ये कोई तरीका थोड़ी है। 30 साल मेरी उम्र हो गई है, मेरे पापा जो एक्सपायर हो रहे हैं 40 साल दे सन, कंप्लेंट दो उनका भी तोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं, दो क्यों नहीं तोड़ेंगे, लगाओ भाई आप दो ना, आप कह रहे देखिए सेम जगह पर, सेम जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन सारे सारे ना बिछा दे, मैं अपने प्यो का वकील साहब आएगी साहब, वकील साहब आओ देखने के, कुछ तो देते होंगे कुछ नोटिस, बिना मकान नहीं तोड़ सकते जी जी, बिना नोटिस के रोकोगे मेनो जे वो कह रहे वकील साहब आप बात करो ना, डीटीपी साहब से बात करो ना, आप बगैर नोटिस के किसी का मकान नहीं तोड़ सकते, अगर गलत किया तो इनके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे ठीक है, अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आज से 20 साल पहले देखनी चाहिए थी, और पूरे इलाके में बने हुए थे तो मकान सभी 70 साल पहले, 30 साल की मैं हो गई, 45 साल जो
जो मेरे पुराने फरौती का काम किया मैं अरेस्ट कर ली इन्होंने मेरे डेरे का एड्रेस लग गया मेरे घर का एड्रेस मिल गया मैंने ड्यूटी तो चुक के लिया है बाबू जी भी ड्यूटी तो चुक के लिया है ना ड्यूटी तो दिलेर को बेदखल कर दिया गया था दिलेर को बेदखल कर दिया गया था दिलेर को बेदखल किया जो चार साल क्या नाम है आपका आप कितने बहन भाई हो जी दखल दलबल के साथ इनको अगर नोटिस नहीं दिया होगा तो इनके खिलाफ जो बनती कार्रवाई होगी हाई कोर्ट में याचिका दायर अब ये कह रहे हैं हमने दिया ये कह रहे दिया नहीं है तो उनसे रिकॉर्ड मांगेंगे जो होगा तो वो कार्रवाई उचित करेंगे बिल्कुल परिवार के कोई ना कोई सदस्य को नोटिस देना चाहिए रंजीत चुप हो जा आराम से कोई बात नहीं अगर कोई गलत हुआ तो देखेंगे ठीक है क्या कोई बात नहीं कोर्ट के विचों परमिशन नहीं ली ना पूछताछ ली 24 घंटे की पूछताछ होती है 24 घंटे के बाद 3 दिन में जो महिला सचिव जो मेरे रखे मेरे पास फुटेज है फुटेज सीसीटीवी फुटेज जिसमें मैं साबित कर सकती हूँ कि ये मुझे लेके गए थे ये कह रहे हैं नोटिस दिया है जी आप कुछ नहीं नोटिस दिया आज मेरे को ये बात बताओ जब आज इन्होंने जब कोई भी कांड होता है इनको सिस्टर दिख जाती है भी सिस्टर को उठाओ पूछताछ के लिए आज सिस्टर नहीं इनको दिखी महिला दिलेर कुत्ते की बहन बीच में आती है और अभी जो है ये मंगती करती है इसको जो है छोड़ दिया जाए लेकिन शासन है कि रुकने का नाम नहीं मेरा दिलेर कुटिया एक क्रिमिनल माइंड है और क्रिमिनल माइंड के जो लोग भारत में इस प्रकार के सिकंजा इस समय कैसा हुआ है कि उनकी प्रतियों को जो तुर्क करने का काम यहाँ तुर्क करने का काम खत्म करने का काम है सरकार के द्वारा सही मौजूद है 11 केस उनके ऊपर हैं और इस समय यहाँ कोई भी नहीं था उनकी बहन जो है आती है लेकिन इस तरीके से हालात सरसर है मनुष्य बार बार मांग रही की निशानी है लेकिन दिलेर कोटिया मौके में रिश्ते में बैठे हैं और यूएसए
जे तुसी सोच रहे भी कोई सीधा कोई लैन देन है तोड़ रहे हैं मतलब असि पूरे ते नोटिस दिता है जे मेनू मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है नौ फॉलो कर रहे हैं तुहानू आके असि कल क्या कि जी असी ये मकान असी ये दा नोटिस दे रखा है इन्हूं समान खाली करने कह दो तुसी ओ भी नहीं मान रहे तुसी मनना ही नहीं तो तुसी भी इसे प्रॉपर्टी दे विच मालक जे ये पूरे किले दा नोटिस असी एक हफ्ता पहला जारी किया ये भी असी तोड़ा सारी सर असी जी मन ली गल कोई गल नहीं फिर सच बोलना सीखो फिर सच बोलना सीखो पहला सच बोलना सीखो फिर गल करांगे नहीं ना जी ना तुसी सच बोलना सीखो अदरवाइज कार्रवाई बराबर दी होएगी देखो तुम सोच लो माता जी अभी आपको सब पता है अभी ये लड़का कह रहा था बार बार की नोटिस दिखाओ सारी इलीगल दूसरे डेरे गए सर पता क्या यूं है अब ये तो इसको पूछो ना बच्चा है ये तो पूछो अभी ये कह रहा दे रहा हूं पता क्या अभी इससे गलती हो गया चलो कोई बात बच्चा ये ऐसे है इतनी बदतमीजी ठीक थी इसकी छाती का तोड़ के सर जी मैं पाल ले नहीं सब ठीक है कम से कम पता इससे माफी मांगेगा होगा बोले तो मांगा आप भी बीच में बोल सकते हैं सर नहीं सर रिक्वेस्ट है लॉ बराबर है आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ लॉ बराबर है वकील साहब आपने बात सारी आप वकील साहब सबसे पहले आके आपने ये कहा कि इनको ना नोटिस दिया गया ना कुछ चलो सर वो एक सेकंड पहले मेरी बात पूरी सुनिए मैंने आपको बड़े आराम से मैं आराम से बात कर रहा हूँ मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ आपने आज से ही कहा कि इनको नोटिस नहीं दिया जी जी। नहीं दिया। जो मेरे को बताया मैंने आपको जो बताया मैं कह रहा हूँ कि किसी का एक इंच का भी नुकसान होता जी, है जी। तो हमें पता है बिल्कुल लेकिन लॉ जो है वो हम बिल्कुल सबके लिए बराबर दूसरी हमने टीम भेजी है पहली बार जाके कहो जी सामान लो बस मेरा कोई सामान से कोई इंटरेस्ट नहीं है अब मैं मेरा इलीगल अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई उसके बाद हमने इनको भी कहा कि जी आपको आके हमने नोटिस दिया ये बताया कि जी इनको नोटिस दे रखा है इनको आके खाली करो CIA की टीम के मेंबर आए मेरी टीम के मेंबर आए और अगर आप यही कहोगे आप तो आपस में रिश्तेदारी निभा रहे हो और ये कहोगे कि जी हमें तो पता ही नहीं जी इनका जो है अब आपकी स्टेटमेंट इनकी ये थी जी हमें नहीं पता वो अपना निकाल लेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसलिए सच होगा तो सबके साथ बराबर हो ए, मैं अब सर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप किन के वकील हैं इनके या उनके सर मैं दोनों का आप राइटिंग में दिखाओ जी आपको इन्होंने एंडोर्स किया चलो मैं वकालतनामा ले आऊं अदरवाइज मैं आपको सुन नहीं सकता वकालतनामा लाओ फिर बात करते हैं अब वकालतनामा मुझे नहीं वकील मैंने सुना तो वकालतनामा देगा फिर सुना सर जी लॉ फिर पूरा फॉलो करना के आप ना कह दो ना अभी आए हैं इतने असं आके क्या है भी तुम इन्हों कहो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ लेकिन आप तो यही कह रहे हो हम आए नहीं कोई तो सुनकर आए इनका तो अलग अलग है सर नोटिस टोटल ये तो अलग है नोटिस टोटल उनके साथ नोटिस टोटल है ये तो Gracias.
किया सर उसका क्या क्या हमने चार पांच जगह कार्रवाई की है। जिलमिल ढाबे की बात कर रहे हैं या फिर और? नहीं, हमने मयूर ढाबे के ऊपर जी जी भी कंप्लेंट आ रही है, जहां पर कहीं ना कहीं कोई वर्बल कंप्लेंट थी उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर जी सरकार सख्त है सर। क्रिमिनल प्रॉपर्टी की बात करें ज्यादा, देखिए क्रिमिनल प्रॉपर्टी है वो एडिशनल फैक्ट जी सर, लेकिन सख्ती ऐसी रहेगी। बाकी जो गरीब जनता है जिन्होंने मकान बना रखे हैं जी, वो मैं आपके माध्यम से, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है सर? इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी आप खेत की, क्योंकि 2021 में भी दो डॉक्टरों से फिरौती मांगी गई थी और इसके बाद अब 2022 में 3 महीने पहले मीनाक्षी हॉस्पिटल पे गोलीबारी की गई थी, पूरी 35-40 राउंड उन लोगों ने फायर किए थे। दो लड़के जब हमने बाद में पकड़े, क्योंकि उनको पुलिस से भी मुठभेड़ हुई थी उनकी, तब ये डिस्पोजल, क्योंकि अगले दिन वारदात के जिले पोटिया का इनके पास फोन आया था जिसने 2 करोड़ की डिमांड की थी कि ये गोलियां उनको बाहर दिखाई, और ये भी कहा था कि ये उनका है, कोई चौधरी कहेंगे कुशल चौधरी, तो इन्होंने अपने हार सूत्रों को और उस गैंग के सदस्यों को करीब 13-14 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है। तो सर इन लोगों को इंडिया में नहीं लाया सकता क्या? बिल्कुल, वो भी कार्रवाई हमारी चालू है, अभी चालू है, जल्दी उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी किया जाए जी। तो एक बड़ा, और मोर ओवर ये भी आप लोग कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों की नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से काम, क्रिमिनल की वजह से सर? नहीं, वजह क्रिमिनल का एक एडिशनल फैक्ट है जी, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है हम उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई अमल में ला। कार्रवाई से पहले नोटिस वगैरह दिए गए इनको? एक हफ्ता पहले सूचना थी, कल CIA की टीम और मेरे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए थे, उसको आसपास वालों को बोला गया कि ये सामान अगर निकालना चाहते हैं निकाल, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, फिर भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उसको निकलवाएंगे जी कोशिश करेंगे कि निकाल के। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है सर? देखिए ऐसे आज हमने सुबह भी एक कार्रवाई की है, मैं आपको फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि जो हमारे कंट्रोल्ड एरिया के नोटिस हैं जी, हम नोटिस पूरे कर रहे हैं और उसके बाद ही कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। करनाल में जो भी रेजिडेंट्स हैं, अगर वो मिलकर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कहीं हो रही हैं और उनको उससे दिक्कत है, तो वो करनाल के रेजिडेंट्स हमारे लिए सबसे प्रथम है जी। तो जो ऐसी कंप्लेंट्स आएंगी उनके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई जी।